कानपुर में हुई हिंसा का आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इसी खुलासे में एक पोस्टर का जो खुलासा हुआ है उसमें यहां पर जो रोमा प्रिंटर्स हैं उसके मालिक हैं, इनसे बात करते हैं। कल रात में पुलिस आपको लाई थी, क्या था पूरा मामला? कल रात में मेरे को नजीराबाद पुलिस लाई थी, मेरे पास 20 पोस्टर सैंपल के निकले थे। अब पोस्टर तो शहर में काफ़ी लगे थे, इन्होंने हज़ारों पोस्टर कहीं से छपवाए हैं। मैंने 20 छापे जिसके एवज में 200 रुपये मैंने लिए थे बस। सीसीटीवी कैमरे में कौन आए थे, वो लोग कौन था, जफर था या उसके अन्य साथी? जफर था, केवल ओनली वन, मोटरसाइकिल से आए थे, जफर ही थे। क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन आई थी कि पोस्टर नहीं छापे जाएंगे या किस तरह? ऐसा कुछ नहीं था सर, ऐसा। फिलहाल पुलिस से अभी क्या बात हुई आपकी? कुछ नहीं सर। तो ये पूरा मामला है, ये जफर हयात हाशमी ही आया था पोस्टर छपवाने के लिए और यहाँ पर लगभग 200 रुपए के पोस्टर छपवाए गए। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पोस्टर मैंने 200 रुपए के छापे थे, बाकी हजारों पोस्टर और लगाए गए, तो कहीं ना कहीं अगर ये जांच करी जाएगी तो इसमें कई और प्रिंटर्स वाले निकल कर सामने आएंगे, जहाँ पर इन 200 रुपए के जो पोस्टर छपे इसके बाद हजारों पोस्टर कहाँ छपे, अभी वो जाँच का विषय है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर।